ये जॉब आपको नहीं मिल सकती। मैम मैंने सारी स्टेज क्लियर कर ली, अब मुझे आप जॉब के लिए मना कर रहे हो क्यों? कि हमने आपका बैकग्राउंड चेक करवाया, हमें पता चला कि आपके ऊपर चीटिंग के चार्जेस लगे थे एक बारी। हम चीटर्स को नहीं रख सकते अपनी कंपनी में। गलत चार्जेस लगाए गए थे मेरे ऊपर और कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट कब का दे दिया है। सोचिए कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी पुरानी गलतियों के साथ या पुरानी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ अगर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल, ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होने की वजह से किसी को फाइनेंशियल लॉसेस, जॉब नहीं मिलना, उसके प्रति जजमेंट, घृणा की भावना, बहुत चीजें फेस करनी पड़ सकती है। सवाल ये है कि क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन से डिलीट करवाई जा सकती है हमेशा के लिए? तरह के राइट को राइट टू इरेजर या राइट टू फॉरगॉटन कहा जाता है, जो कि राइट टू प्राइवेसी के अंदर कवर होता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस राइट को बहुत सारे जजमेंट्स में रेकग्नाइज किया गया, जिसमें इम्पोर्टेंट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का। कोर्ट ने एक व्यक्ति को रिलीफ देते हुए जो कि सफर कर रहे थे अपने पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से, जो कि अभी भी पब्लिक डोमेन में अवेल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी और उन्हें लाइफ में मूव ऑन होना मुश्किल हो रहा था। यूरोपियन यूनियन जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसने भी इस राइट को रेकग्नाइज किया है। हाल ही में लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। ये भी पेंडिंग है और हो सकता है इस बिल के आने के बाद इस राइट पे कुछ क्लैरिटी और कुछ एक पर्टिकुलर लॉ बने।